पहले चरण का चुनाव प्रचार अभियान अब समाप्त होने वाला है। 17 अप्रैल को शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी ने आज तमिलनाडु में जनसंपर्क किया। यहां के सभी 39 सीटों पर पहले दौर में मतदान होगा। इसके बाद वो केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी भी ले ली गई। तो क्यों हुई राहुल के हेलीकॉप्टर की तलाशी और क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज दक्षिण भारत में पार्टी के प्रचार की कमान संभाली। राहुल ने तमिलनाडु के नीलगिरी से उड़ान भरी और केरल के वायनाड पहुंचे, लेकिन इससे पहले नीलगिरी में इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कांग्रेस नेता के हेलीकॉप्टर की जांच की। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को पीएम और गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच भी करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी देश में केवल एक नेता का आइडिया थोपना चाहती है, वहां आम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। राहुल ने भारत को फूलों के गुलदस्ते की तरह बताते हुए कहा कि हमें हर एक का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह पूरे गुलदस्ते की सुंदरता को बढ़ाता है। ऐसे में भारत में केवल एक ही नेता होना चाहिए, ये प्रचार प्रत्येक युवा भारतीय का अपमान है। राहुल ने दावा किया कि यही विचारधारा कांग्रेस और बीजेपी के बीच का मुख्य अंतर है। वायनाड की स्थानीय समस्याओं को लेकर राहुल गांधी ने राज्य की वाम मोर्चा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने कई मौकों पर केंद्र और राज्य दोनों को लिखा है, लेकिन ये दोनों सरकारें वायनाड के प्रति सौतेला रवैया अपना रही है। समस्या ये है कि हम दिल्ली या यहाँ सत्ता में नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वायनाड की समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली और केरल में भी सत्ता में आने वाली है। मैं जब भी वायनाड आता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।